गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एम कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। तो आज आपके लिए एक विशेष क्लास लेके आए हैं जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक संस्कृत सब्जेक्ट में संस्कृत निर्माण कैसे किया जाता है। ये हर स्टूडेंट्स की, हर छात्र छात्रा की ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हिंदी से दिए हुए शब्दों को हिंदी में जो ट्रांसलेट होते हैं उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाए। ये उनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज इस वीडियो में उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर आपको संस्कृत बनाना आसानी से सीखना है तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आइए हम चलते हैं कि संस्कृत निर्माण हिंदी से संस्कृत किस हिसाब से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये 5 टॉपिक रख रहा हूँ। इन 5 टॉपिकों को आप कंटस्ट करो, ध्यानपूर्वक देखो, पढ़ो और लर्न करो इसको। इन 5 टॉपिक से ही हम बात में आगे संस्कृत निर्माण करेंगे। तो देखते हैं संस्कृत निर्माण का हमारा टॉपिक है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, मतलब आगे तक पूछा जाता है। तो संस्कृत निर्माण से पहले हमारे पास जो टॉपिक है, 5 टॉपिक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पुरुष वचन विभक्ति, पुरुष वचन और विभक्ति, पुरुष तीनों थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार वचन भी तीनों थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्तियां 8 होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, सप्तमी, सप्तमी, अष्टमी, ऐसी विभक्तियां होती है। तो इनके बारे में पढ़ना होगा हमें सबसे पहले कि पुरुष कौन से होते हैं, वचन क्या होते हैं, विभक्तियां कौन सी होती है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की रारे भी अधिकरण में पेपर संबोधन हे अय भोरे, ये है हमारे पास है कारक चिन्ह। इन कारक चिन्हों को भी हमें पढ़ना होगा जो कि हम 6 क्लास से हिंदी में भी और संस्कृत में भी पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लकार, तीसरा पॉइंट हमारे पास लकार है। लकार हमारे पास 10th तक तो 5 होते हैं और 10th के बाद में हमारे पास 5 और प्लस हो जाते हैं तो 10 हो जाते हैं। तो हमें फिलहाल 6 से लेके 10th तक यहाँ पे 5 लकारों को पढ़ना है। 5 लकार कौन कौन से हम आगे बताएंगे, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लकार, ये होते हैं 5 लकार। इसके बाद में हमारे पास चौथा पॉइंट है शब्द रूप, जैसे राम शब्द हो गया, रमा शब्द हो गया, फल शब्द हो गया, मति शब्द हो गया, वधु शब्द हो गया, इन शब्दों को हमें लर्न करना होगा। और इसके बाद में पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारे पास धातु रूप, लकारों से संबंधित होती है धातु रूप। जो लकार लर्न हो गए तो धातु रूप खुद ब खुद हो गए, जैसे पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़ती पढ़ते पठर, पठामी पठाव पठाम है। तो आपके सामने ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर इन 5 पॉइंटों को आपने ढंग से अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया तो संस्कृत बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम इस वीडियो में इन 5 टॉपिकों को ही पढ़ेंगे, फिर आपको हिंदी से संस्कृत बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आ रहा हमारे पास पुरुष, पुरुष वचन और विभक्ति। अब इनको पढ़ते तो आए हम, लेकिन एक बार और ली बता देता हूँ कि पुरुष होते हैं 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, बस इतना सा लर्न करना अपने को। इसके बाद में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये भी इतना लर्न हो गया। विभक्तियां बताया था, प्रथमा से लेकर संबोधन तक अपनी विभक्तियां चलती है, 8 विभक्तियां। इसके बाद में कारक चिन्ह भी हमने पढ़ रखे हैं, कारक चिन्ह भी हमारे पास लिखे जाते हैं 8 है, लेकिन होते 6। संबंध और संबोधन को 6वें और 8वें को कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, वो कारक चिन्ह हो गए। यहाँ बात होती है लकार की, लकार हमारे पास है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और लास्ट है हमारे पास विधि लिंग लकार।
1, 2, 3, 4, 5 ये 500 लकार हो गए। इन 500 लकारों को हमारी जो धातु रूप चलेगी उस धातु रूप में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में देखो धातु रूप में चलते हैं डायरेक्ट पांच में। लट लकार में कैसी चलती है हमारे पास, पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठैत, पठा में पठाव पठाम है। भूतकाल में क्या चलेगी, अपठत अपठाम अपठन अपठ अपठम अपठ अपठम अपठाव अपठाम। लिट लकार भविष्य में कैसी चलेगी हमारे पास, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावे पठिष्यामे। इसके बाद में लोट लकार में पठतु पठतम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठाम। इसके बाद में जो विधि लकार है वो चलेगा हमारे पास, पठेत पठेतम पठेयु है पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। और हमारे पास फोर्थ टॉपिक है वो है शब्द रूप। शब्द रूप में आपके पास आ गया राम रमा फल मति बुद्धि वधु हरि, ऐसे बहुत से शब्द है, ऐसे बहुत से शब्द है जिनको आपको लर्न करना है। लेकिन ध्यान रखना मुख्य तौर पे राम रमा और फल शब्द को आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करो, जिससे इन तीनों से ही हम संस्कृत अनुवाद बनाना सिखाएंगे आपको। तो ये हमारे पास पांच टॉपिक है। अब इन पांच सौ टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है पुरुष। पुरुष होता है हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये पुरुष हो गए। इसके बाद में हमारे पास वचन है एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद में हमारे पास विभक्तियां हैं, विभक्ति चलेगी प्रथमा विभक्ति से लेके संबोधन संबोधन तक ये चलेगी, मतलब आठ विभक्ति तक ये चलेगी। ये हो गया पहला पॉइंट हमारे पास। अब पहले पॉइंट को दोबारा देखते हैं एक बार। पहले पॉइंट में अपन चलते हैं सह शब्द चलते हैं, देखना एक बार हम लेते हैं इसी को वापस आगे। ये ले लिया हमने पुरुष, यहां लिखा एक वचन द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद में एक वचन में हम सह शब्द लेते हैं, सह तो ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम। ये शब्द हैं, ये संस्कृत निर्माण करने की सबसे पहली सीढ़ी है। आपको इस सीढ़ी को कंटस्ट करना होगा। स तो ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, ये है। सह का मतलब होता वह, तो वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, युयम तुम सब, अहम मैं आवाम हम दोनों और वयम हम सब। तो ये पहली सीढ़ी हो गई आपकी, स तो ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम। तो ये तो पहली सीढ़ी हो गई आपकी। अब इसके बाद में हमारी जो दूसरी सीढ़ी चलती है वो है हमारे पास कारक, कारक चिन्ह चलते हैं। तो कारक चिन्ह आपको वैसे भी लर्न होंगे, लेकिन फिर भी नहीं है तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कारक चिन्ह कैसे चलेंगे। कारक चिन्हों में आपके पास यहाँ पे होती है विभक्ति, तो ये विभक्ति हो गई प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थ
चतुर्थी पंचमी, यह हो गया आपका यहाँ पे कारक और यह हो गया हमारे पास चिन्ह हो गया। तो प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता ने, द्वितीय में आएगा कर्म को, तृतीय में आएगा करण से, और ये होता है द्वारा, यानी इससे के द्वारा काम किया जाएगा। संप्रदान के लिए चतुर्थी में आ गया संप्रदान के लिए, पंचमी आ गया अपादान, वही आ गया से, और ये आ गया अलग होने पर, ये पंचमी ध्यान देना। तीसरी और पंचमी सेम सी है, लेकिन तीसरी में से के द्वारा काम होता है और पंचमी से क्या होती है अलग होती है। इसके बाद में षष्ठी, षष्ठी हमारे पास है संबंध, संबंध का हो गया चिन्ह हो गया का के और की, ठीक है। फिर आ गया आपका सप्तमी अधिकार संबोधन, अधिकरण आएगा पहले, ये आ गया हमारे पास अधिकरण आ गया, तो अधिकरण आ गया, अधिकरण में क्या आएगा मे पर या मे पेपर, मे पे और पर। उसके बाद में आ गया आपका संबंध संबोधन, संबोधन में आ गया हे अरे वो रे, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के किरारे री अधिग्रहण में पेपर और संबोधन हे अरे वो रे। तो ये इस प्रकार से हमारे पास है आठ हो गए। लेकिन जब कारक के प्रकार पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता, यानी छह प्रकार के होते हैं और वैसे लिखे जाते हैं आठ प्रकार के। अब हम चलते हैं हमारी जो थर्ड स्टेप है उस स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेप है लकार, थर्ड स्टेप है हमारी लकार। तो लकार होते हैं हमारे यहाँ पे पांच प्रकार के, ठीक है। पहला हमारे पास हो गया लट लकार, वर्तमान काल, पहला हो गया हमारे पास लट लकार वर्तमान काल। दूसरा आ रहा हमारे पास लंग लकार, ये है हमारे भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, यानी भविष्यत काल। चौथा है हमारे पास लोट लकार, यानी आज्ञार्थक काल। और पांचवा आखिरी है हमारा विधि लिंग लकार, यानी इसका यूज होगा चाहिए के अर्थ में। तो ये पांचों लकार है, इन पांचों लकारों को ध्यान से देखना। पहला हमारे पास लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस, ये टेंस ही है, प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी इसमें काम को वर्तमान समय में होना बताया जाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता खाना खा रही है, ये कौन से हुए लट लकार में हो गया, वर्तमान काल में हो गया। इसके बाद में हमारे चलता है लंग लकार यानी भूतकाल में, इसमें जो काम होता है, जो क्रिया होती है, भूतकाल में होना पाई जाती है। राम ने खाना खाया, सीता गाना गा चुकी है, मोहन पढ़ चुका है, तो ये हो गया हमारे पास भूतकाल। तीसरा था हमारे पास लिट लकार यानी भविष्यत काल, इसमें जो क्रिया है, जो काम है, फ्यूचर में होना पाई जाएगी। सीता खाना खाएगी, मोहन स्कूल जाएगा,
बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास भविष्य काल लिट लकार। फोर्थ अपने पास लोट लकार। लोट लकार का मीन्स होता है आज्ञार्थक काल, इसमें आज्ञा दी जाएगी। इसमें क्या होगा ना, आज्ञा दी जाएगी, जैसे बालको पढ़ो, तुम विद्यालय जाओ, यहाँ मत रुको, ये आज्ञार्थक काल हो गया। अब जो आगे चलता है वो होता है हमारे पास विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार आएगा चाहिए के अर्थ में, यानी जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में, उसके अंत में चाहिए शब्द लिखा हो जाएगा। बालकों को पढ़ना चाहिए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, सीता को खाना पकाना चाहिए। तो ये हो गए हमारे पास लकार हो गए। अब हम इन लकारों को ही डिटेल से पढ़ेंगे, यानी लकारों का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे धातु रूप हो जाएगा। उन चौथा पॉइंट जो पांचवा दे रखा था उसको चौथा पॉइंट बना के हम धातु रूपों को पढ़ेंगे कि धातु रूप किस प्रकार से है। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारा धातु रूप। धातु रूप, और धातु रूप में हम इसको लेंगे पठ, पढ़ना धातु को लेंगे। तो जो हमारे पास पहले था लकार, था हमारे पास लट लकार, यानी वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल था। तो इसको देखते हैं कि इसमें कैसे चलती है। तो इसमें वही बात आ रही है, यहाँ पे पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष को लिख लेते हैं हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हो गए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब पट धातु लट लकार में किस प्रकार से चलती है हमारे पास, उसको देखते हैं। ये चलेगी हमारे पास पढ़ती पढ़ते है पठंती। तो यह आएगा पढ़ती पढ़ते है पठंती। मध्यम पुरुष में आएगा हमारे पास पठसी पढ़ते है पठते, और उत्तम पुरुष में आएगा हमारे पास पठामी पठावह पठाम है। ये बन गई हमारे पास क्रिया, बन गई पढ़ धातु, बन गई पढ़ती पढ़ते है पठंती, पढ़सी पढ़ते है पठत, पठामी पठावे पठाम है। अब इसमें अगर आपको विसर्ग का डर रहता है कि विसर्ग कहाँ लगाए, तो इस लाइन को आप याद रखें कि विसर्ग वचन में तो तीनों में लगेगा विसर्ग, और बहुवचन के उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग लगेगा। तो ये हो गई हमारे पास पहली लट लकार की। अब हम चलते हैं दूसरी लिंग लकार की क्या है। तो हम दूसरा चलता है हमारे पास लंग लकार भूतकाल। अब लंग लकार भूतकाल में भी हम लेंगे पट धातु कैसे चलेगी। तो इसमें चलेंगे हमारे पास प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में चलेगा अपठ, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में चलेगा अपठम, अपठाव, अपठाम। ध्यान देना, लंग लकार भूतकाल चलेगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये लंग लकार भूतकाल में है। यहाँ पे ध्यान देने की एक बात है, प्रथम पुरुष एकवचन अपठत, प्रथम पुरुष एकवचन हमारे पास अपठत है, और उसी प्रकार हमारे पास मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो गया, वो भी क्या हो गया अपठत। तो इस अपठत और इस अपठत में हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंट है कि प्रथम पुरुष एकवचन में हमारे पास यहाँ पे हलंत लगाया हुआ है, और बहुवचन में हमारे पास यहाँ हलंत नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं कि हमारे पास लिट लकार क्या है।
तो इसमें तीसरा आगे चलता है हमारे पास लिट लकार भविष्यत काल। देखते हैं लिट लकार भविष्यत काल में पट धातु कैसी चलती है। तो ये थी हमारे पास पटिष्यति, पटिष्यति, पटिष्यत है, पटिष्यन्ति, मध्यम पुरुष चलेगा, पटिष्यसि, पटिष्यत है, पटिष्यन्ति, पटिष्यत, पटिष्यन्ति के नीचे पटिष्यत आ गया। फिर आपके चलेगा उत्तम पुरुष में चलेगा पटिष्यामि, पटिष्याव है और पटी श्याम है। ध्यान देना इसके रूप कैसे चल रहे हैं, पटिष्यति पटिष्यत पटिष्यन्ति, पटिष्यसि पटिष्यत पटिष्यत, पटिष्यामि पटिष्यावे पटिष्यामय। इसमें भी जो विसर्ग लग रहा है जो लट लकार में था उसी हिसाब से इसमें विसर्ग लगा है। द्विवचन के तीनों रूपों में लगा है और बहुवचन का एक अंतिम में लगा है, मध्यम उत्तम पुरुष का बहुवचन में लगा है। अब इसके बाद में हमारे पास जो फोर्थ है लोट लकार, उसका रूप देखते हैं कि उसमें कैसे चलते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने अब चौथा आ रहा लोट लकार आज्ञार्थक काल, इसमें जो सेंटेंस होगा वो आज्ञा में होगा, पढ़ो लिखो खाओ खेलो कूदो वो शब्द रहेंगे इसमें आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल में पढ़ता तो कैसे चलेगा, यहाँ पे चलेगा पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। इसमें ये रूप चले पढ़ जा चुके, पढ़तु पढ़ताम पठन्तु पठ पढ़तम पठत पठानी पठाव पठाम। ध्यान देना इसमें जो हलंत लगा है द्विवचन के दोनों रूपों में यहाँ पे हलंत लगा है, पठताम में और पठितम में लगा है। तो ये हो गई आपकी लोट लकार आज्ञार्थक काल में पठ धातु। अब चलते हैं आखिरी में पांचवा हमारे पास है विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो हमारे पास पांचवा है विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। कहने का मतलब इसके जो तो हिंदी के सेंटेंस है उसके लास्ट में ये आएगा चाहिए शब्द आएगा, राम को पढ़ना चाहिए, सीता को खाना बनाना चाहिए, हमें विद्यालय जाना चाहिए, ऐसे चाहिए सेंटेंस जो सेंटेंस है चाहिए आएगा उन सेंटेंसों में। तो देखते हैं इसमें पट धातु कैसे चलेगी। इसमें तो पट धातु के रूप चलेंगे, वो चलेगा पठे पठेताम पठेयु है, पठे पठेतम पठे पठेयम पठेव पठेम। तो इसमें जो धातु के रूप चले पठेत पठेताम पठेयु है, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। तो ये इस प्रकार से हमने पांचों पट धातु के लकार रूप ध्यान से पढ़ लिए। अगर आपको सेंटेंस बनाना है संस्कृत के सेंटेंस को हिंदी में बनाना है तो इन धातुओं के पांचों लकारों को अच्छी तरीके से आपको लर्न करना होगा, पढ़ना होगा, याद रखना होगा। अब इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिया धातु रूप, इसके बाद में हमारा पांचवा पॉइंट है शब्द रूप, उसको देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि पांचवा पॉइंट है हमारे पास शब्द रूप। शब्द रूप बहुत से होते हैं, अकारांत पुलिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत नपुंसक शब्द, इकारांत पुलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। राम शब्द, रमा शब्द, फल शब्द, मति शब्द, वधु शब्द, हरि शब्द, बहुत से शब्द होते हैं जो शब्द रूप होते हैं। ये हो गए हमारे पास राम, रमा, फल, हरि, मति, वधू, ऐसे हमारे पास बहुत से शब्द होते हैं जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इतने शब्द आपसे याद नहीं होते हैं तो कम से कम
राम रमा और फल शब्द आपको अच्छी तरीके से याद करने ही होंगे, क्योंकि राम रमा और फल शब्द से ही लगभग लगभग हमारी जो संस्कृत है लगभग लगभग हम 99% तक संस्कृत को जो सेंटेंस निर्माण करेंगे व्याख्या करेंगे संस्कृत में वो लगभग लगभग 99% हमारी सही होने के चांस हो जाते हैं। तो ये शब्द आराम से इजी तरीके से हमें याद हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इन तीनों शब्दों को, यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम राम शब्द को लेते हैं शब्द रूप में, सबसे पहले पढ़ रहे हैं अ अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, जिन शब्दों के अंत में अ आएगा और वो भी कौन से होने चाहिए, पुल्लिंग राम अ अंत में आ रहा है तो ऐसे बन गया अकारांत और पुल्लिंग शब्द बन गए राम शब्द बन गए। यहाँ पे ये आपके पास विभक्तियां लिखी हुई है, ये आठ विभक्तियां दे दी, ये हो गया हमारे पास एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब राम से बनता है हमारे पास प्रथमा विभक्ति का बनता है राम है रामो रामहा, प्रथमा विभक्ति बन गई हमारे पास राम है रामो रामहा। द्वितीय विभक्ति बनती है हमारे पास रामम रामो रामान, द्वितीय विभक्ति बन गई हमारे पास रामम रामो रामान। तृतीय बन रही है हमारे पास रामेण रामाभ्याम रामे है, तृतीय विभक्ति बन गई रामेण रामाभ्याम रामे है। चतुर्थी बन गई हमारे पास रामाय रामाभ्याम, वो कब आ गया और ये आ गया रामे भे। हमारे पास पंचमी बनेगी रामात रामाभ्याम और रामे भे। हमारे पास षष्ठी बनेगी रामस्य रामियो है रामाणाम। सप्तमी बनेगी हमारे पास रामे रामियो है, जो षष्ठी और सप्तमी सेम है और ये हो गया रामेशु। सप्तमी संबोधन हो गया हे राम हे रामो हे रामः। तो हमारे पास राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द के बन रहे हैं राम है रामो रामः रामम रामो रामान, रामे राम्याम रामे है, रामाय राम्याम रामेभ्य, रामात राम्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा। तो इस प्रकार से अ अकारांत पुल्लिंग राम शब्द हमारे क्लियर हुए। अब चलते हैं हम अ अकारांत नपुंसक शब्द फल में चलते हैं। तो अब चलते हैं हम अ अकारांत नपुंसक क्लिंग फल शब्द चलते हैं। ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अंत में अ आएगा और वो आएंगे हमारे पास नपुंसक शब्द होंगे, जैसे पुस्तक हो गया, उद्यान हो गया, फल हो गया, ऐसे शब्द होंगे वो फल के अकॉर्डिंग बनेंगे, किस हिसाब से बनेंगे देखते हैं। अकारांत में प्रथमा विभक्ति आ गई हमारे पास फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति आ रही है हमारी फलम फले फलानी। द्वितीय विभक्ति भी यही बनेगी हमारे पास फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमारे पास सेम है फलम फले फलानी फलम फले फलानी। तृतीय विभक्ति वही राम की तरह आ रही है हमारे पास फलेन फलाभ्याम फले है। चतुर्थी विभक्ति वही वैसे आएगी फलाय फलाभ्याम फलेब्य है। चतुर्थी विभक्ति आ गई फ्लाय फलाभ्याम फलेब्य है। पंचमी विभक्ति आ जाएगी हमारे पास फलात फलाभ्याम फलेब्य। षष्ठी विभक्ति आएगी हमारे पास फलस्य फलियो फलानाम फलस्य फलियो है
फल्लाणाम, और सप्तमी आएगी फल्ले फलियो फलेसु, सप्तमी आ गई फले फलियो है फलेसु, और संबोधन आ गई हमारे पास हे फल, हे फल, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार से हमारा ए अकारांत नपुंसक फल शब्द पूरा हुआ। देखना दोबारा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फले फलाभ्याम फले है, फलाय फलाभ्याम फले बे, फलात फलाभ्याम फले बे, फलस्य फलियो फल्लाणाम, फल्ले फलियो फल्लेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। इन शब्दों को आपको अंगुलियों पे याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछ लिया जाए कि तृतीय विभक्ति के रूप क्या होंगे, तो तृतीय विभक्ति क्या रूप होंगे अपने, फलेन फलाभ्याम फले है, फलेन फलाभ्याम फले बे। पूछ ले षष्ठी विभक्ति के रूप क्या होंगे, तो फलस्य फलियो फल्लाणाम, फलस्य फलियो फल्लेषु, ये होंगे हमारे पास षष्ठी विभक्ति के रूप। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो दे रखे हैं कौन सी नपु, उसमें चलेंगे स्त्रीलिंग में। तो अब आगे चलते हैं हम, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, रमा शब्द आ आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे रमा आया, आ से बन गया आकारांत कविता दीक्षा सुशीला कक्षा, ये स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में हम चलते हैं, रमा शब्द कैसे बनते हैं हमारे पास देखना। तो ये बन रहा, पहला हो गया हमारे पास रमा, रमे, रमा है। द्वितीय विभक्ति भी यही बनेगी लेकिन रमाम हो जाएगा, रमाम, रमे, रमा है। तृतीय हो गया हमारे पास रमिया, रमाभ्याम, रमाभी। चतुर्थी हो गई हमारे पास रमा ये है, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी हो गई हमारे पास रमायाः, रमाभ्याम और रमाभ्य। षष्ठी हो गई हमारे पास रमायाः, रमायो है, रमाणाम। और हमारे पास सप्तमी और ये रमायाम, रमायो है, रमासु। और हमारे पास जो सप्तमी है लास्ट वाली आ रही है हमारे पास हे रमे, हे रमे, हे रमा है। तो ये हमारे पास रमा शब्द हो गए। एक बार दोबारा देखना, रमा रमे रमा है, रमाम रमे रमा है, रमिया रमाभ्याम रमाभी, रमाए रमा, रमाए रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमायो रमाणाम, रमायाम रमियो रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमा। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत बनाने के लिए, संस्कृत अनुवाद करने के लिए हमने 5 सीढ़ियां पढ़ ली हैं। इन 5 सीढ़ियों को आपको कंटस्थ करना होगा। 6 से लेकर 10 तक ये टॉपिक बहुत ही मुख्य है, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 4-5 हिंदी में सेंटेंस लाइनें दी हुई रहेगी, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। बात करते हैं अपर क्लासों में, 9th और 10th में सेंटेंस तो दिए रहते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो बुक्स की होती है, बुक्स के जो पैराग्राफ होते हैं, उन पैराग्राफों की संस्कृत व्याख्या संस्कृत टू संस्कृत में ही बनानी होती है। वो संस्कृत टू संस्कृत व्याख्या भी हम इन 5 टॉपिक से क्लियर आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको संस्कृत व्याख्या करनी है तो इन 5 टॉपिकों को ढंग से पहले क्लियर करो। अगले वीडियो में हम आपको संस्कृत कैसे बनाई जाएगी उन बातों को हम आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाएंगे, सेंटेंस लेके हम आपको समझाएंगे और पैराग्राफ से आपको संस्कृत टू संस्कृत बनाना भी सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये 500 नियम, 500 रूल्स, 500 टॉपिक्स आपको ढंग से अच्छी तरीके से क्लियर करने होंगे। थैंक यू।